नमस्कार जी, मैं भगवंत मान। पंजाब में पिछले कुछ महीनों से लॉ एंड ऑर्डर को या पंजाब के अमन शांति भाईचारे को तोड़ने की कुछ गैर सामाजिक तत्व जो थे कोशिश कर रहे थे। जैसे ही हमें उनकी गतिविधियों की सूचना मिली, हमने एक्शन लिया। 18 मार्च को कुछ लोग पकड़े गए और कुछ लोग उस दिन नहीं पकड़े गए। चाहते तो उस दिन भी पकड़ सकते थे, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि उसमें कोई खून खराबा हो, कोई गोली चले। इससे पहले अजनाला में थाना के सामने, पुलिस थाना के सामने जो पालकी साहब, जिसमें श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की सवारी रहती है, उसको कुछ लोग लेकर आ गए थे। उसको ढाल बनाकर वो थाने के अंदर चले गए थे। उस दिन भी मैंने जो हमारे DGP हैं पुलिस के, उनको यही निर्देश दिए थे कि कुछ भी हो जाए, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब जी की मर्यादा को, उनके सम्मान में कोई आँच नहीं आनी चाहिए। ना कोई हमने वाटर कैनन यूज़ किया, ना ही कोई कंकर पत्थर चला उस दिन। हाँ, हमारे कुछ पुलिस जवान जख्मी जरूर हुए, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब जी की जो इज्जत सम्मान लोगों के मन में है, उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। तो उन पुलिस वालों की भी तारीफ हुई पूरी दुनिया में कि उन्होंने अब बहुत ही संयम से उस स्थिति को कंट्रोल किया। आज अमृतपाल सिंह, 35 दिन हो गए, आज अमृतपाल सिंह भी गिरफ्तार हो गया। और जो जो लोग जो देश की अमन शांति या फिर कानून को तोड़ने की कोशिश करेंगे, उन पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। हम किसी बेकसूर को तंग नहीं करें, हम कोई बैटेंटा पॉलिटिक्स नहीं करते। तो मैं 3.5 करोड़ पंजाबियों का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ कि इन 35 दिनों में उन्होंने अमन शांति आपसी भाईचारे को बना के रखा। सोशल बॉन्डिंग जो है पंजाब की, उसमें कोई तरीड़ नहीं आने दी और ना ही आने दी जाएगी। इससे पहले ही बहुत कोशिशें हुई कि पंजाब की अमन शांति को भंग किया जाए, भाईचारक सांझ को तोड़ा जाए, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। क्योंकि देश को याद कराने में भी 90% कुर्बानियां पंजाबियों की हैं, और देश की आज़ादी को कायम रखने में भी हमारे जवान जो हैं सरहदों पर सीना तान के खड़े हैं। अभी कुछ दिन पहले 4 हमारे योद्धे, 4 जवान हमारे पंजाब के, वो सरहद की राखी करते हुए जम्मू कश्मीर में उन्होंने शहीदी का जाम पिया है। तो पंजाब ने लीड किया है हर क्षेत्र में, देश को लीड किया है, चाहे वो आज़ादी का संघर्ष हो, चाहे वो अनाज में आत्मनिर्भरता लाने के लिए हरा इनकलाब हो, और चाहे वो अमन शांति कायम रखने के लिए। तो मैं एक बार फिर होम मिनिस्टर होते हुए और मुख्यमंत्री होते हुए, आम आदमी पार्टी को आपने इतना प्यार दिया, जिम्मेदारी दी, और आम आदमी पार्टी ने, हमारे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर भरोसा किया बतौर मुख्यमंत्री, और मैं 3.5 करोड़ पंजाबियों को यकीन दिलाता हूँ कि आपके जान माल की सुरक्षा और पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को कायम रखना हमारा फ़र्ज है, और ये फ़र्ज हम निभाते रहेंगे। मैं पूरी रात नहीं सोया, कल रात मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ गई थी, तो मैं हर 15 मिनट बाद, हर आधे घंटे बाद मैं पूछता रहता था कि क्या हुआ। मैं नहीं चाहता था कोई भी खून खराबा हो या कोई ऐसी स्थिति बन जाए जिसमें लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ताक पे लग जाए। लेकिन कोई बात नहीं, अगर 3.5 करोड़ पंजाबियों की सुख चैन की नींद के लिए हमें अपनी नींद जो है वो कुछ देर के लिए या कुछ रातों के लिए गंवानी भी पड़े, तो ये महंगी नहीं है। क्योंकि बतौर मुख्यमंत्री मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं अपने
3.5 करोड़ जो लोग हैं मेरे पंजाब के, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग बिरादरियों के, अलग अलग समाज के, उनको इकट्ठा भी रखूं और उनके बच्चों को एक बेहतर भविष्य दूं, उनके हाथ में, पंजाब के नौजवान लड़के लड़कियों के हाथ में मैं उच्च शिक्षा की डिग्रियां, उनके हाथों में लैपटॉप, आईपैड, उनके हाथों में मैं इंटरनेशनल खेलों के मुकाबलों के गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल देखना चाहता हूँ, ना कि कोई गैर सामाजिक चीज़ें। कुछ लोग हैं जिन्होंने पिछले दिनों पंजाब के युवाओं को भड़काने की कोशिश की कि शायद वो दोबारा से बंदूकें उठा लेंगे, लेकिन पंजाब ने, लोगों ने जो साथ दिया उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने अमन शांति को भंग नहीं होने दिया, क्योंकि पंजाब ने बहुत से काले दिन पहले देखे हैं और पंजाब अब तरक्की करेगा, पंजाब अब देश को लीड करेगा। और जिस दिन पंजाब नंबर वन सूबा बन गया देश का, तो हमारे देश को दुनिया का नंबर वन देश बनने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।